उसको सपोर्ट करेंगे? किसी पार्टी को वो सपोर्ट नहीं करूंगी मैं, हाँ पक्का ये तो मैं चुनाव लड़ूंगी, टिकट मिलेगी मुझे पार्टी से मिलेगी। नमस्कार जैन, आप देख रहे हैं हिसार पल पल। साथियों, आज से कुछ समय पहले हिसार में सोनाली फोगाट की मर्डर मामले में एक खाप पंचायत हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि हम आने वाले उपचुनाव के लिए अधमपुर में एक मीटिंग करेंगे, जो कि मीटिंग आज संपूर्ण हो चुकी है। सोनाली फोगाट की बहन रुकेश ढाका हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि आज के मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया गया, क्या और क्या कुछ इनके सोनाली फोगाट के समर्थक है उन्होंने कहा है। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, आज की जो आप लोगों की मीटिंग है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ उसमें बातें हुई, क्या कुछ रहा उस मीटिंग? आज की हमारी जो मीटिंग थी, जैसे हमारा केस सीबीआई तक नहीं पहुंचा था, बहुत लेट हो चुके थे हम, तो जो आदमपुर के लोगों ने हमारा सहयोग किया, पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता थे, तो आज उसी मैटर पे हमने मीटिंग रखी थी और उनका हमने धन्यवाद किया था। मैम, जैसे कि पिछली बार जब खाप पंचायत हुई थी, शायद उसमें कुछ खबरें निकल के आ रही थी कि आप चुनाव लड़ेंगे, आपके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी 3 नवंबर को आदमपुर में उपचुनाव है। 24 तारीख को जो पंचायत हुई थी, तो वहाँ जैसे सोनाली के फादर और सोनाली की बेटी और उसके भाई, जैसे सारी फैमिली और फोगाट, अनूप फोगाट और संजय फोगाट की फैमिली साथ में थी सब, तो उन्होंने ये मैटर, तो जैसे सोनाली फोगाट की जो बेटी है यशोधरा का, उसने अपनी मौसी रुकेश ढाका को जिम्मेदारी, राजनीति की जिम्मेदारी सौंपी है। वो यही चाहती है कि उसकी मम्मी जो इतने साल आदमपुर में भी काम किया, जैसे 3 साल सोनाली फोगाट ने और 10 साल से वो बीजेपी में काम कर रही है, तो वो चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते, तो बोली कि मौसी आप इस राजनीति को आप आगे बढ़ाओ, तो ये जिम्मेदारी मेरे को सौंपी गई है, तो मैं इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाऊंगी और इस राजनीति को मैं आगे लेकर चलूंगी। मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, 3 नवंबर को चुनाव है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या किस प्रकार से राजनीति करेंगे, सक्रिय राजनीति करेंगे या वोटों की राजनीति करेंगे, किस प्रकार की राजनीति करेंगे? क्योंकि वोटों की राजनीति में इलेक्शन लड़ना होता है, और एक राजनीति में ये होता है कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या जो कैंडिडेट होगा उसको सपोर्ट करेंगे। किसी पार्टी को वो सपोर्ट नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मेरे दीदी ने भी ऐसा काम कभी नहीं किया कि वो किसी पार्टी को, वो अपनी पार्टी में रह के उसने काम किया, तो मैं भी जो मेरा साथ देगा मैं उसी पार्टी में रहकर काम करूंगी, जो मेरे को टिकट देगा, जैसे भी बीजेपी मेरे बारे में सोचेगी, जो भी पार्टी हमारे बारे में सोचेगी, हमारी फैमिली के बारे में सोचेगी, मैं उस पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगी। यानी आप 3 नवंबर को आने वाले समय में जो उपचुनाव है वो आप लड़ेंगे? हाँ पक्का ये तो मैं चुनाव लड़ूंगी। और अगर आपको किसी पार्टी से, अगर मैं बात करूँ, टिकट नहीं मिलती है, तो क्या आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बारे में? नहीं, टिकट मिलेगी मुझे पार्टी से मिलेगी। तो और जिस प्रकार से मैम कहीं ना कहीं, क्योंकि मीटिंग हुई, मीटिंग में खा पंचायत के सदस्यों ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई को सफाई देनी चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि कुलदीप बिश्नोई सीबीआई में जांच हो रही है उसमें बाधा डाल सकते हैं, तो उसको लेकर कुलदीप बिश्नोई है सोनाली फोगाट जी के परिवार से मिले, उन्होंने ये तक कहा कि मैं हाथ में जल लेकर कहता हूँ कि इसमें ये सोनाली फोगाट की जो हत्या हुई है या जो भी ये प्रकरण हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और जितनी भी कार्रवाई हुई मैं परिवार के साथ हूँ, आधी रात को तैयार मिले, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहूँगी? कुलदीप जी जैसे फोगाट फैमिली से मिले थे, वो हमारी फैमिली है, फोगाट जैसे मेरी दीदी की शादी फोगाट परिवार में हुई थी, तो फोगाट फैमिली हमारी फैमिली है। जैसा कि कुलदीप जी आकर बोल के गए हैं, तो ठीक है, ये सही बात है कि वो बोल रहे हैं कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, तो हमें तो पता ही नहीं है किसका हाथ है किसका नहीं है। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि जो सोनाली मर्डर केस है उसके जो पीछे जो दोषी छुपे हुए हैं उनको सामने निकाल के लाए। अब जो सीबीआई के पास केस पहुंच गया, तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि जो पीछे जो छुपे हुए हैं गुनहगार वो सामने निकल के आएंगे। हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और मैम, जब मीटिंग हुई, तो मीटिंग के बाद में आप लोगों के जो सोनाली फोगाट का परिवार है, तो उनके परिवार से जब बात करी गई, तो उन्होंने कहा कि हम राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, और हम हमारी बच्ची है यशोधरा फोगाट है, उनके अच्छे से प्रवेश करना चाहते हैं, तो क्या अब आप लोगों से वो सहमत हैं, या आप वो आप लोगों से सहमत नहीं है, जैसे जिस पर अभी आप बता रहे हो आप चुनाव लड़ोगे? नहीं नहीं, चुनाव का तो जैसे किसी की इच्छा होती है लड़ने की, किसी की नहीं राजनीति में आने की, तो उनका देखो अलग मतभेद है, जैसे भी जो भी है वो नहीं
राजनीति में आना तो नहीं चाहते तो नहीं सही है, लेकिन मेरी भांजी यही चाहती है कि मम्मी की राजनीति आगे बढ़े, तो उसने मेरे को ये जिम्मेदारी दी है तो मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊं। उसकी बेटी चाहती है, और मेरी दीदी होती तो भी वो इलेक्शन लड़ती और राजनीति को आगे लेकर जाती। ठीक है, थैंक यू मैम। तो ये थे रुगेश ढाका से, सोनाली फोगाट के बहन थे, और आज इन लोगों ने इनके परिवार के सदस्य थे, इनके जो सोनाली फोगाट के जो वर्कर थे उन लोगों से इन लोगों ने मीटिंग करी है कि आने वाले चुनाव में हमें क्या कुछ करना चाहिए और किस प्रकार से हमें चुनाव लड़ना चाहिए या किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए। अभी तो आप लोगों ने देखा कि हमने जो सोनाली फोगाट की बहन है मुकेश ढाका है उनसे बातचीत करी, तो उनका कहना है कि मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगी और किसी पार्टी के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ूंगी। तो है बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि अगर सोनाली फोगाट की बहन मुकेश ढाका अगर इस आदमपुर उपचुनाव में चुनाव लड़ती है तो क्या कुछ उसका नतीजा रहने वाला है, क्या कुछ उसका प्रभाव पड़ने वाला है। अपनी राय दे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।